दिवाली पर्व है खुशियों का, उजालों का, लक्ष्मी का। इस दिवाली आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, दुनिया उजालों से रोशन हो, घर पर माँ लक्ष्मी का आगमन हो। हैप्पी दिवाली। फिर बुराई पे अच्छाई की जीत, एक ऐसा त्योहार जहाँ पे रोशनी होती है, खुशियाँ होती है, खाने पीने की भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, पटाखे होते हैं और घर परिवार पूरा एक साथ होता है। ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ दिवाली के पर्व पे, और इतना खूबसूरत त्यौहार है कि क्या बताएं, इसके पीछे कितनी सारी कथाएं हैं, कितनी सारी प्रथाएं हैं, कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, पूजा में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, सारी बातें हम लोग दो दिन तो कर चुके हैं, यानी कि धनतेरस भी हमने बहुत अच्छे से संजय जी के साथ डिस्कस किया और रूप चौदस भी डिस्कस किया, और आज फिर से हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ चुके हैं संजय जी। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब मुझे जानने को मिलता है कि क्या क्या करना चाहिए और क्यों हमारी इस सभ्यता में, संस्कृति में दिवाली का इतना महत्व है। तो फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी संजय जी हमारे शो पे, जो स्पेशली हमने 5 दिवसीय शो ये डिज़ाइन किया है आपके साथ दिवाली पे, और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी आपके पूरे बीटी वी परिवार को और सारे दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आज के दिन ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन बहुत मंगलमय हो, और हमारे सारे दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं सभी को मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, और अब शुरुआत करते हैं आज के दिन की प्रथाओं से, कथाओं से। जैसे कि 5 दिवसीय ये त्यौहार रहता है, बट जो आज का दिन है वो सबसे ज़्यादा मेन दिन होता है। यहाँ आज के दिन ही लक्ष्मी माता की पूजा होती है, आज ही के दिन हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ जो है दिए भी जलाते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं, बट इको फ्रेंडली पटाखे फोड़िए इस बार, बिल्कुल भी ऐसे मत फोड़िए जिसमें बहुत धुआं निकले। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि महत्वता क्या है। दीपावली का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया कि जब धनतेरस पे जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी समुद्र में से प्रकट हुई थी, तो लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा का दिन आज का डिसाइड हुआ है। और उसके बाद राम भगवान जब रावण को विजय करके लौटे थे तो सारे अयोध्यावासी, नवावास की रात थी तो अंधेरा बहुत था, और राम जी जब आ रहे थे तो उनका स्वागत दीपक लगा के लाखों करोड़ों की तादाद में जहाँ जहाँ से वो निकलते गए वहाँ दीपक जलते गए, तो वो प्रथा इतनी ज़्यादा वो चीज़ आज बढ़ते 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 दीपावली के दिन आप देखिए आज के दिन हम सब लोगों में एक्साइटमेंट भी कितना है, आज हम लोग कितने उत्साह से और कितने मतलब मस्ती से, कितने अच्छे तरीके से हम लोग दीपावली मना रहे हैं। तो ये आज के दिन का महत्व, वो जो अंधेरे की रात है, देखिए ये अंधेरा पक्ष जो होता है यही वाला अंधेरा पक्ष को सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से मनाया जाता है, बाकी पूरे 12 महीने जितने अंधेरे पक्ष आते हैं उसको अच्छी तरीके से लोग उसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएँ होती है, एकम से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा पूर्ण होता है, पर यही वाले जो अंधेरे पक्ष के अंदर हम एकम से लेकर अमावस्या तक जितना उत्साह में रहते होता है, एकम से लेकर पूर्णिमा तक उत्साह नहीं रहता हमें, तो ये राम भगवान का अयोध्या प्रवेश पे जो प्रसंग था उसके कारण इतनी ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती है। जी तो संजय जी, आज के दिन पॉजिटिविटी बहुत लगती है, सुबह से ही हम देखें तो वातावरण बहुत पॉजिटिव रहता है, और क्या कोई ऐसा कारण होता है इसके पीछे कि जैसे कि आपने हमें गणेश महोत्सव के टाइम पे बताया था कि जो गणेश जी होते हैं उनका आवाज़, उनके जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो हम तक पहुंचते हैं, तो क्या ये ऐसा कुछ होता है कि आज के दिन लक्ष्मी माता की पूर्ण तरह से कृपा रहती हम पे? डेफिनेटली आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको अभी बताया कि जैसे राम जी अयोध्या प्रवेश प्रसंग राम जी का था, जैसे लक्ष्मी जी की भी जो आज पूजा होती है, हम लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और सफाई करने से हमारे मन में उत्साह रहता है कि बस हम लोग कब दीपावली पूजा करेंगे, और सबसे बड़ी बात बहुत साफ़ सुथरा वातावरण रहता है घर में, और एक छोटे छोटे बच्चों को में चहल पहल मची होती है और घर में मिठाइयाँ बनती है तो बड़ा सुगंधित वातावरण रहता है, तो जो खाने के शौकीन है वो लोग आज का दिन का इंतजार करते हैं कि फिर दीपावली कब आएगी और हमें बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ मिलेंगी, छोटे बच्चे इंतजार करते हैं कि उनको पटाखे का छोड़ने को मिलेंगे, और जो गंभीर लोग हैं, जो पूजा पाठ वाले लोग हैं, वो आज के दिन साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है कि दीपावली की रात की साधना बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, तो आप भी धीरे धीरे मैं आपको आने समय में आपको बताते जाऊंगा कि भाई आज क्या साधना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। फिर अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि दिए हम कहते हैं दिए जलाए गए थे, दिए प्रज्वलित किए गए थे जब राम भगवान आए थे, तो कितने दिए हमें प्रज्वलित करना चाहिए, और मिनिमम मतलब 5 दियों का तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा महत्वता होती है उनकी, और कितने हम दिए ऐसे प्रज्वलित कर सकते हैं, क्या कोई पर्टिकुलर नंबर?
बिल्कुल, आपको 16 दिए लक्ष्मी जी के फोटो के सामने या श्री यंत्र के सामने या लक्ष्मी नारायण यंत्र के सामने 16 शुद्ध घी के दीपक आपको लगाना चाहिए, अगर आपकी स्थिति या अगर शुद्ध घी का दीपक लगाने के अनुकूल हो तो। अदरवाइज आप एक बार घी में बत्ती डुबो के ही बस 16 बार उसको कम से कम 16 दीपक को जला दें, और लक्ष्मी जी के फोटो के सामने यंत्र के सामने 1.25 किलो रबड़ी का भोग आप लगाएं। और मेरा दावा है कि अगर आपने ऐसा किया और अगले दिन ये वाला भोग हम पूरे परिवार के साथ हम लोग उसको ग्रहण करें तो उस साल में आपकी इतनी उन्नति होगी कि पिछले 10 सालों में आपकी उन्नति नहीं होगी, मेरी गारंटी है कि आप करके देखिए मजा आएगा जी। मतलब इस बार अभी आज के दिन शाम की पूजा के बाद में आपके यहाँ रबड़ी खाने तो जरूर आऊंगी। आज नहीं, आज आज चलाने के लिए आइए और कल खाने खाने के लिए। कल आती हूँ आपके, कल आइए रबड़ी के साथ साथ आपको अनेक अनेक व्यंजन आपको दिए जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा खाने के, आनंद आ जाएगा जी। बिल्कुल, तो आपने जैसे कहा 16 दिए जो है वो मिनिमम आपको मतलब लक्ष्मी जी की पूजा के टाइम पे हमें लक्ष्मी जी के सामने जलाना चाहिए। बाकी तो क्या दियो की कुछ अलग टाइप पूजा होती है? दिए की अलग टाइप की पूजा नहीं होती है कि जैसे अंधेरा पक्ष की सबसे काली रात होती है अमावस की, तो दीपक लगाने से ये रात रोशन हो जाती है और जहाँ जहाँ दीपक लगाएंगे वो स्थान उन्नत हो जाएगा। और आज के दिन ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर अवश्य आती है देखने के लिए। मेजरली कहाँ कहाँ दिए रखने ही चाहिए? एक तुलसी के पौधे में आपको रखना, तुलसी के पौधे के पास ऐसे जगह रखिए कि तुलसी के पौधे पे आँच नहीं आए उसकी। जी जी। और घर में जो पानी का जो मटका होता है, जो परंडा जिसको बोलते हैं, हमारे पूर्वजों का क्षेत्र होता है, वहाँ पे आपको रखना चाहिए। घर में पूजा स्थान रखना चाहिए और जितने भी गेट पे रखना चाहिए, मेन गेट पे रखना चाहिए और जितने भी आपके आपके जैसे मकान में जितने भी रूम्स हैं हर रूम्स में रखें। इवन आज के दिन तो टॉयलेट में भी दिया रखते हैं। अच्छा, आज के दिन सब जगह हर हर जो स्थान को रोशन और उन्नत करने की आज परंपरा सदियों से चली आ रही है कि कोई भी स्थान में आज अंधेरा नहीं होना चाहिए जी। तो कोई भी आपका गैरेज हो या फिर कोई ऐसी जगह हो, गोडाउन वगैरह हो, वहाँ पे भी आप दिए जरूर आज के दिन प्रज्वलित करें। ओके संजय जी, अगला जो मेरा दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है वो ये है कि हम पूजा कैसे करें, अगर मतलब किस टाइम पे हमें पर्टिकुलर पूजा करनी चाहिए या फिर दिन भर में हम कभी भी कर सकते हैं, कैसे हम मैनेज करें पूजा और क्या क्या करें? पूजा में आपको हमेशा स्थिर लग्न में पूजा होना चाहिए और लाभ स्थिर लग्न में पूजा होना चाहिए और लाभ शुभ और अमृत के चौघड़िया में आपको पूजा करना चाहिए। और पूजा में आपको 5 प्रकार के फल आपको पूजा में रखना चाहिए, उसमें अनार कंपलसरी है रखना। अच्छा। अनार को शुक्र ग्रह का फल माना गया है और लक्ष्मी जी शुक्र ग्रह की देवी मानी गई है। जी, जी। तो अनार के फल के अंदर आप देखेंगे कि अनार का फल एक धन की पोटली के समान होता है और उसमें हजारों, जैसे ऐसा लगता है कि धन की पोटली में हजारों अशर्फियां हैं। तो अनार जो है उसके बारे में कहा भी जाता है कि एक अनार 100 बीमार कहावत है कि अनार जो है 100 बीमारियों में भी काम आता है। तो अनार अमृत फल माना गया है अनार का, और इसलिए आज के दिन पूजा में अनार जैसे अवश्य रखना चाहिए, सिंघाड़े कच्चे रखना चाहिए, गन्ना रखना चाहिए। तो ये रसीला फल होता है गन्ना, तो गन्ना अगर आज के दिन पूजा में रखते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा रस बना होता है। क्या हमें धान वगैरह ऐसा कुछ? धान भी रखना चाहिए और जो ज्वार की धानी होती है वो भी पूजा में रखना चाहिए, शक्कर के गांगड़े भी जो होते हैं वो रखना चाहिए। और आज के दिन ये ऐसा कहते हैं कि कुछ चांदी के सिक्कों की पूजा में चांदी के सिक्के या हर साल कुछ बढ़ोतरी करना चाहिए कि भाई जैसे हर साल 1-2 सिक्के तो आप चांदी के खरीदें, तो वो अगर आप पूजा में रखेंगे तो आप उस पूजा के पश्चात वो अपने धन के क्षेत्र में या बरकत के क्षेत्र में रखते हैं तो उससे डेफिनेटली साल भर आपके जो धन क्षेत्र में आपके बरकत होती है और आपके घरों में समृद्धि प्रदान आती है। जी, जैसे कि आज के दिन मैंने मेरे घर पे पर्टिकुलरली देखा है कि शस्त्रों की भी पूजा होती है और साथ ही साथ एक एक दो दो रुपए के जो नोट चलते थे पहले उनकी गड्डियों की भी पूजा होती है और मतलब बहुत पायस तरीके से सब सजाया जाता है, भोग सजाया जाता है और सारे फल सजाए जाते हैं। तो हमें पर्टिकुलरली कौन कौन से भगवान को प्लेस करना है और फिर उसके बाद हम क्या पोस्टर की भी पूजा कर सकते हैं कि स्वरूप मूर्ति का ही लक्ष्मी जी का होना जरूरी होता है? देखो, भगवान और जितनी देवियाँ हैं सब आपके भावना के भूखे हैं। भगवान को न तो 56 प्रकार के भोग चाहिए न कुछ चाहिए, पर आपने पूछा था तो जो आज की पूजा में जो जो महत्व है, मैंने आपको फल का बताया, मैंने आपको रबड़ी का बताया और शस्त्रों की पूजा भी कर सकते हैं, पर शस्त्रों की पूजा का ज़्यादा महत्व दशहरे के दिन होता है। और आज आप बढ़िया पूजा में सब प्रकार की सामग्री इसलिए रखिए कि जो भी जितनी आपको श्रद्धा होती हो, ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा नहीं और आप कहीं से परेशान होकर आप उसको लेके आ रहे हैं, भगवान उस चीज़ को नहीं देते हैं। भगवान देखते हैं कि भले आपका घर आंगन भले पूरा कच्चा घर बना हुआ हो पर आपने उसको सलीके से लीपा हो और भगवान को एक शुद्ध तरीके से आपने दीपक लगाया हो और साफ सुथरा घर हो। तो लक्ष्मी जी आज के दिन, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी जी आज के दिन अवश्य, भले वो दरिद्र का घर हो चाहे धनवान का घर हो, लक्ष्मी जी के कदम अवश्य आते हैं। तो जब आज के दिन अपने घर में जब लक्ष्मी जी आती हैं तो उनका स्वागत हमें
तरह तरह के फलों से, तरह तरह की मिठाइयों से, तरह तरह के फूलों से उनका स्वागत करना चाहिए। तो अगर हमारे पास समृद्धि है तो हमको ये जरूर करना चाहिए, तो हमारी समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। अगर हमारे पास समृद्धि है और अगर हम उसको खर्च नहीं करते हैं और पैसा खर्च नहीं करते, तो लक्ष्मी जी को भी लगता है कि भाई मैं इनके आए उनको दे रखा है, उसके बाद भी इन्होंने मेरा स्वागत इस तरीके से किया। स्वागत का बहुत महत्व है आज के दिन। तो लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए पूजा में कि आप लक्ष्मी माता पधारें और धन के साथ साथ हमें सद्बुद्धि भी प्रदान करें कि हम उस धन को धन का सदुपयोग करें। जी जी बिल्कुल सर, जैसे हम मैंने देखा है कि हम सुबह से ही मांडने बना रही हैं मेरी मम्मा, और मांडने जो होते हैं घर के बाहर बनाए जाते हैं, उसमें लक्ष्मी जी के पैर बनाए जाते हैं और चिन्ह बनाए जाते हैं जो हमारे यहाँ बहुत पायस चिन्ह मानते हैं, कलश मनाया जाता है, स्वस्तिक मनाया जाता है, तो कितना महत्वता होती है मांडने की आज की? मांडने की महत्वता बहुत ज़्यादा है। आप देखिए दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र में डेली जो है रोज़ नियमित रूप से वहाँ की जो महिलाएं हैं सुबह स्नान करने के बाद घर के बाहर रंगोली बनाती हैं, तो रंगोली बनाने से मन प्रसन्न रहता है। तरह तरह के जो रंग होते हैं, आप 10 बार जब घर के बाहर निकलते हैं तो वो आप अपने वो कलर्स देखते हैं, तो कलर्स देख के आपके मन में उत्साह का संचार होता है। तो रंगोली बनाना, शुभ चिन्ह बनाना आज के दिन का बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया, महत्व है। तांत्रिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है आज के दिन की, पूजा का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे हम स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह का मतलब होता है जोड़ना। देखिए स्वस्तिक मतलब प्लस हो गया। स्वस्तिक चिन्ह दो धर्मों में काम आता है। देखिए एक तो हिंदू धर्म में भी काम आता है, क्रिश्चियन धर्म में भी काम आता है। क्रिश्चियन लोगों का क्रॉस होता है वो प्लस होता है। डॉक्टरों का चिन्ह क्या है? प्लस। अगर हमें चोट लग जाए, हमें खून निकल जाता है, तो हम माइनस में आ जाते हैं। डॉक्टर हमको क्या करते हैं? प्लस, तो हम ठीक होना शुरू होते हैं। तो ये स्वस्तिक चिन्ह अगर आज अपने घर के अंदर हम बनाते हैं तो हर चीज़ में हमारी बढ़ोतरी होती है, कुछ प्लस होता है, हम हमारे साथ कुछ जुड़ता है। तो स्वस्तिक बनाने का ये महत्व है। ओम के अंदर तीनों लिंग समाहित होते हैं, तो ओम से हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। ओम का चिन्ह बनाने से, ओम का उच्चारण करने से और शुभ लाभ लिखने से आज के दिन आप जो है तो सिंदूर के अंदर थोड़ा चमेली का तेल डाल के अपने घर के मुख्य द्वार पे एक साइड आप शुभ लिखें, फिर दूसरी साइड लाभ लिखें। तो और आज जो मांडले बनाते हैं या शुभ चिन्ह लिखते हैं वो पूरे साल भर आपको प्रसन्नता देते हैं। जी, और मतलब हम जो ऐसा भी करते हैं, कई बार हमने देखा है कि आज के दिन अपने गाड़ियों को या जो भी हमारे मेन हमारी जगह होती है, हमारे जो मेन चीज़ें होती हैं उन पे राखी जैसा भी कुछ बांधा जाता है, या फिर उन पे कोई ऐसा सुरक्षा सूत्र बांधा जाता है कि उनकी भी पूजा की जाती है आज के दिन, गाड़ियों की भी, और उन पे भी कंकु चावल लगाए जाते हैं, तो उसका कितना महत्व? उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है कि गाड़ियों को माँ का स्वरूप माना गया है। जी, माता काली का स्वरूप माना गया है कि आप अगर आपके पास कार है या आपके पास बाइक है या तो आप गाड़ी में बैठ के जब जा रहे हैं तो आपको वो माँ का स्वरूप है, तो उस माँ का सम्मान करना चाहिए। त्यौहार पे जब हम अपने घर की पूजा कर रहे हैं, अपने घर को हम संभाल रहे हैं, तो इस दिन हमें जो वाहन को भी एक देवी का स्वरूप माना गया है तो उसकी भी पूजा करने से हमें वो लाभ देता है, और उसकी भी सफाई करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो दीपावली पे कोई भी घर का कोई भी क्षेत्र, कोई कोना और घर का कोई वाहन से लेके आपके शूर एक तक घर के साफ होना चाहिए। क्या बात है। वेल सर, ऐसी कोई पर्टिकुलर विधि है पूजा करने की जो हमें फॉलो करनी चाहिए कि पहले ये करें या फिर ये करें या फिर ये करें, कि पर्टिकुलरली हम कभी भी कैसे भी पूजा कर सकते हैं मुहूर्त के अनुसार? पूजा तो मुहूर्त के अनुसार कभी भी कीजिए, पर पूजा को अगर आप, मैं एक बहुत सिंपल तरीका पूजा करने का बता रहा हूँ जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कि आप जैसे अगर आपके पास चंदन घिसने का जो ओलिसा होता है तो चंदन की जो बट्टी होती है, थोड़ी सी केसर के कुछ दाने आप उसमें डालें, थोड़ा कपूर डालें और चंदन घिस लीजिए। और आपके जो आज बही खातों की भी पूजा होती है, जो अगर जैसे कोई बिजनेसमैन व्यक्ति है तो पुष्य नक्षत्र दिन जो बही खाते खरीदते हैं, तो आज बही खातों पे बही खातों पे श्री वगैरह लिख के और पूरा लक्ष्मी जी के मंत्र, लक्ष्मी जी के श्लोक लिखे जाते हैं जो शुरू के दो पेज पे, फिर बाकी पूरे पेज वो साल भर रोज हिसाब लिखते हैं वही कि कहाँ प्लस हुआ, कहाँ माइनस हुआ, कहाँ पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ। तो आज के दिन बही खातों की पूजा होती है, और साथ में सारे देवी देवताओं को आज पूजा स्थान पर रखें। और पांच तरह के, मैंने आपको बताया, पांच तरह के फल ले लीजिए, बहुत सिंपल पूजा की विधि बता रहा हूँ। पांच तरह के फल ले लीजिए, जो चांदी के सिक्के वगैरह आप एक पाट पर रख दीजिए, और लक्ष्मी जी के सामने 16 शुद्ध घी के दीपक लगा दीजिए, और आप ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का 108 बार आप जाप कीजिए। और अगर आपको संभव हो सके, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अगर अनुकूल हो, तो आप 1.25 किलो रबड़ी का भोग भी आप लक्ष्मी जी के सामने लगाएं, और इसको रात भर ऐसे रहने दें, या तो चांदी के बर्तन में लगाएं या मिट्टी के कलश में आप उसको रखें, फिर अगले दिन इस भोग को आप स्वीकार करें, तो आपके समृद्धि बहुत ज़्यादा होगी। और मंत्र जाप जरूर करें, और इसके पश्चात पूरे परिवार के लोग, सभी लोग खड़े होकर लक्ष्मी जी की कपूर से आरती करें, और आज नारायण जी की भी आरती करें। देखिए लक्ष्मी जी का अकेले का सम्मान नहीं, नारायण जी का भी सम्मान कीजिए, लक्ष्मी नारायण दोनों का सम्मान करें, आरती करें, और सभी धर्मों के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा, मान लीजिए आप कोई और धर्म को बिलोंग करते हैं,
तो आप अपने देवता की भी आज रख के पूजा कर लीजिए, तो उसी में आपकी बरकत बढ़ जाएगी, लक्ष्मी का हर जगह वास हो जाएगा और आपके घर में समृद्धि का वास होगा। मैं आपको आज के दिन की बहुत शुभकामना देता हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों से मिलना, जो आप आते हैं और इतने सारे अच्छे अच्छे दर्शकों से मुझे मिलाते हैं, बड़ा आनंद आता है आप लोगों से। जी बिल्कुल, मुझे भी आज बहुत आनंद आया। आप बकायदा दिवाली के लिए जो तैयार हुए हैं वो भी देखने लायक है, और आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो हम तक पहुंची, और आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानी कि कैसे हमें आज का त्यौहार ये मनाना है, उसमें क्या क्या हमें करना है, और हमारी श्रद्धा अनुसार हम जो कुछ कर सकते हैं आज के दिन हमें वो करना चाहिए। थैंक यू सो मच संजय जी, वापस मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी और आपको दीपावली की वापस हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग मुझे इतना स्नेह रखते हैं, और आपका जो बीटीवी परिवार और स्पेशल आप लोग जो आप कैमरामैन, सभी लोगों को मैं आज बधाई देता हूं और हमारे सारे दर्शकों को शुभकामना देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं भी जो साधना करता हूं उस साधना का फल भी आप सबको मिले और आपका पूरा परिवार प्रसन्न रहे। तो और आज आप बहुत अच्छे से दिल से पूजा कीजिए और बस अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, माता पिता का आदर कीजिए, आज से प्रण लीजिए कि उनसे हम हॉट टॉक नहीं करेंगे, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, बड़े बुजुर्गों का, बच्चों से प्यार कीजिए। आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना। वेल, आज का दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, खूब अच्छे से दिए प्रज्वलित करें, घर वाले सब बैठ के खूब सारे मजे करें और इको फ्रेंडली दिवाली जरूर मनाएं। ये एक स्पेशल चीज हम बार बार बोलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण जो है वो दूषित ना हो। फिलहाल हमें फीडबैक भी दीजिए, feedbyyou@gmail.com पे। टिल देन दिस इज योर चैट अबाउट जूही साइनिंग ऑफ विद संजय जी एंड ऑफ कोर्स माय कैमरा पर्सन महेश सेंगर, बट यू गाइस कीप वॉचिंग बीटीवी ओवर क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। दिवाली पर्व है खुशियों का, उजालों का, लक्ष्मी का। इस दिवाली आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, दुनिया उजालों से रोशन हो, घर पर माँ लक्ष्मी का आगमन हो। हैप्पी दिवाली।